चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये रहा पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। पहले मैं चाहती हूँ आप लोग खुद से ट्राई करो, 45 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, आपको इनकरेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। चलो ट्राई इट। चलिए द टाइम इज अप, टाइम ओवर हो चुका है। इसको देखते हैं इनमें से कौन सा वाला सेंटेंस है जो कि इनकरेक्ट है। द गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात की जो सरकार है उसने वॉलंटियर किया कि हम 36th नेशनल गेम्स को होस्ट करेंगे अक्रॉस 6 सिटीज, 6 शहरों में इन अ शॉर्ट टाइम। उन्होंने वॉलंटियर किया कि हम करेंगे, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। अ शो ऑफ लाइट एंड साउंड, लाइट एंड साउंड का शो showcased, इट showcased, इसने क्या दिखाया, इसने दिखाया गुजरात का रिच कल्चरल हेरिटेज, गुजरात का कल्चर दिखाया। एंड ब्लेंडेड, ब्लेंडेड मीन्स मिक्स कर देना, और उसको किस चीज़ से कम्बाइन किया, उसको कम्बाइन किया कंट्री के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ। तो कल्चर भी दिखाया और कंट्री की टेक्नोलॉजी भी दिखाई, इन दोनों को मिक्स करके इस शो ने लोगों को शोकेस किया। ओडिशा सेट अ न्यू बेंचमार्क, ओडिशा ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया बाय ऑर्गेनाइजिंग, ओडिशा ने ऑर्गेनाइज किया 2017 का एशियन एथलेटिक्स चैंपियन इन 3 मंथ। गड़बड़ देखो यहाँ पर है, 3 मंथ में गड़बड़ है। 3 क्या है, नंबर है, मंथ क्या है, यूनिट है। हमेशा याद रखो जब भी नंबर और यूनिट आता है उसके आगे कोई नाउन या एडजेक्टिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर और यूनिट है। तो जब भी नंबर और यूनिट है तो यूनिट को आप चेक करते हो कि वो यूनिट सफिशिएंट है या नहीं है। सफिशिएंट है का मतलब क्या होता है, कि वो यूनिट अपना मीनिंग समझा पा रही है क्या, मंथ को देख के समझ में आ रहा है, समय की बात होती है, बिल्कुल समझ में आ रहा है मंथ को देख के क्या मीनिंग है। तो अगर ये यूनिट अपना मीनिंग समझा पा रही है और इसको देख के समझ में आ रहा है किस बारे में बात हो रही है, तो ये यूनिट हमेशा प्लूरल आती है। मतलब अगर ये यूनिट समझा पा रही है अपना मीनिंग, अगर ये यूनिट सफिशिएंट है, तो ये यूनिट कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अगर ये यूनिट सफिशिएंट नहीं है, ये अपना मीनिंग नहीं समझा पा रही है, तो ये यूनिट कैसी आती है, तो ये यूनिट सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 मंथ्स होगा। डजन, DOZEN, डजन को देख के नहीं समझ में आता किसकी बात हो रही है, तो डजन जो है नॉट अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है, लेकिन मंथ्स को देख के समझ में आ रहा है तो ये सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है। चलो आगे, इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ गेम्स विलेज, एक गेम्स विलेज बनाने की जगह इट यूज होटेल्स, उन्होंने होटेल्स का इस्तेमाल किया अकोमोडेशन देने के लिए उन एथलीट्स को, और वो बिजनेस लेके आए स्टेट की होटल इंडस्ट्री को भी, कोई एरर नहीं है डी में भी। तो वॉट इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एक बच्चे का डाउट है, मैम सेट, सेट कहाँ लिखा हुआ है बेटा, ओडिशा सेट, सेट है बेटा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सेट्स नहीं, प्रेजेंट टेंस का नहीं है, पास्ट टेंस है, सेट सेट सेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी सेट होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी सेट होती है, तो सेट में कोई एरर नहीं है, सेट इज करेक्ट, क्लियर। तो सेट्स नहीं आएगा, सेट आएगा, सिंपल पास्ट टेंस है ये, प्रेजेंट नहीं है जो आप सेट्स बोल रहे हो, वो कर चुके हैं 3 महीने में, उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। चलो अगले सवाल पर आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अगला सवाल और आप सभी के पास फिर से 45 सेकंड्स का टाइम है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करना है।
चलिए टाइम इज अप, देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस हमने पढ़ा हिज स्पीच, उनका जो स्पीच थी उसका मकसद क्या था. उसका मकसद था कि वो मदद करें. किसकी मदद करें, किस चीज़ के लिए मदद लेके आए, कि जो ऑनगोइंग जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, जो एनर्जी प्रॉब्लम चल रही है ब्रिटेन में, उनकी स्पीच उस चीज़ के लिए थी. कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है. मिस्टर क्वाटिंग ने अनाउंस किया अ स्ल्यू ऑफ. अ स्ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत सारे. अ स्ल्यू ऑफ मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ. तो उन्होंने बहुत सारे आइडियोलॉजिकली ड्रिवन टैक्स कट्स, मतलब अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड उन्होंने बहुत सारे टैक्स कट्स बोले, जो क्या करते हैं, जो डिसप्रोपोर्शनेटली मतलब इक्वली नहीं, जो कि फेवर करते हैं हाई अर्नर्स को. तो उन्होंने टैक्स कट लगाया किसके ऊपर, जो लोग बहुत पैसा कमाते हैं उनके ऊपर टैक्स कम कर दिया. मतलब चलो सही है. दी आई एम एफ हैज़ अ ड्यूटी, जो IMF है उसकी एक ड्यूटी है कि वो मार्केट्स को प्रोटेक्ट करेगा और कोई भी रिस्क मिटिगेट मीन्स कम से कम, जो कॉन्टेजियन जो बीमारी फैलना है उसके रिस्क को कम से कम करेगा. चलो ये भी सही है. वन ऑफ हर फर्स्ट एक्शंस, जो उनका बहुत सारे एक्शंस में से जो उनका पहला एक्शन था, या बहुत सारे पहले एक्शंस में से जो उनका एक एक्शन था प्राइम मिनिस्टर की तरह, यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा. वॉज टू डिसमिस की क्या था, कि जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, द टॉप सिविल सर्वेंट जो है उसको उन्होंने क्या किया, डिसमिस कर दिया, जो इंचार्ज थे. अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या थी बेटा, कॉन्सेप्ट को समझना, हमेशा याद रखना जब भी वन ऑफ द लिखा हुआ होता है इसके आगे हमेशा प्लूरल नाउन आता है, लेकिन अगर इसके आगे कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, हु विच या दैट में से कुछ भी लगा हुआ है, तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा. और अगर हु विच और दैट नहीं लगा हुआ है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर राइट, अगर ये नहीं लगे हुए हैं तो वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है. तो वन ऑफ द के आगे हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन अगर हु विच और दैट लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब आएगा, अगर हु विच और दैट नहीं लगा हुआ है तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा. यहाँ पे कोई भी हु विच और दैट नहीं लगा हुआ था, एक ही एक्शन की बात कर रहे थे, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया. हमने वर्ब की जगह क्या लगाया, वी यूज्ड वॉज इन प्लेस ऑफ वर. कोई दिक्कत किसी को, एनी वन एनी प्रॉब्लम, एक बच्चे का. अच्छा मुझे भी बता दो, वैसे तो एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन क्या है, कट्स का मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बता दो. कट्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये जो कट्स है ये वर्ब है, इसलिए वो कह रहे हैं मैम कट्स की जगह कट होगा. नहीं, ये कट्स कोई वर्ब नहीं है बेटा, ये जो कट्स है ये क्या है, ये कट्स नाउन है. नाउन ऑफ नाउन होता है, तो इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजिकली ड्रिवन टैक्स कट्स, तो आइडियोलॉजिकली एडवर्ब है. एडवर्ब जो है एडजेक्टिव के बारे में बताता है, ड्रिवन एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो है नाउन के बारे में बताता है. तो ये जो टैक्स कट्स है ये क्या है, टैक्स कट्स इज अ नाउन ओवर हियर राइट, ये नाउन है. आज क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई है, तो मैं समझ सकती हूँ आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी इस पैटर्न को करने में, बट डोंट वरी, अब जैसे जैसे हम इस पैटर्न को रेगुलरली करेंगे तो आपको ये पैटर्न ईजी लगने लग जाएगा, डोंट वरी एट ऑल. आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेल करके बोला था, व्हाट्सएप पे भी बोला था कि मैम ये वाला पैटर्न करवाओ आप, जहाँ पे चार करेक्ट, तीन करेक्ट हो एक इनकरेक्ट हो, या तीन इनकरेक्ट हो एक करेक्ट हो. तो अब आपको मैं यही वाले अलग अलग तरह के पैटर्न्स करवाऊंगी, सो डोंट वरी एट ऑल. चलो अगले पे आते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक रिक्वेस्ट भी करूंगी, 1100 बच्चे देख रहे हैं बट लाइक्स केवल 500 हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू लाइक द सेशन. अगर 1100 बच्चे देख रहे हैं तो 1100 लाइक्स भी होने चाहिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. इनकरेक्ट बताना है आपको.
चलिए टाइम इज अप, इस क्वेश्चन को देखते हैं. विद इन डेज ऑफ द मिनी बजट, कुछ ही दिनों के अंदर मिनी बजट आया, सेवरल मॉर्टगेजेस वर डिस्काउंटेड, बहुत सारे मॉर्टगेज थे. मॉर्टगेज का मीनिंग क्या होता है, एक तरीके से गिरवी, आपने कुछ अपनी प्रॉपर्टी रख दी, पेपर्स रख दिए और फिर कुछ उसके अगेंस्ट कुछ लोन ले लिया, तो दैट इज़ मॉर्टगेज. तो बहुत सारे मॉर्टगेजेस को क्या कर दिया गया, डिसकॉन्टिन्यू कर दिया गया, बंद कर दिया गया. सही है. ओवर द समर पूरे टाइम में जो डिस्कशन थे वो फोकस किया किस पे, कि क्या जो लोग हैं वो अपने घरों को हीट करना पूरी पूरी विंटर्स में अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. कोई एरर नहीं है. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास कोई भी प्रोविजन नहीं है कि कोई गवर्नर जो है मिनिस्टर्स को निकाल दे. सैक का मीनिंग क्या होता है, डिसमिस कर देना. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो कहे कि गवर्नर जो है मिनिस्टर्स को निकाल सकता है. कोई एरर नहीं है. अब कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स सबको साथ में लेके चलना. एक आई एग्जामिनेशन, पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव टोटल चेक जो है वो पहला स्टेप हो सकता है किसकी वजह के लिए, कि एक हेल्दी और एक हैप्पी फ्यूचर दिया जाए हमारे एल्डरली सिटीजन्स को. क्या गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि दो शब्द होते हैं, एक होता है आर और एक होता है आर्स. ये जो आर होता है ये एक एडजेक्टिव होता है, ये जो आर्स होता है ये एक प्रोनाउन होता है. जब भी कोई नाउन आता है तो उससे पहले एडजेक्टिव आता है, नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आता, नाउन की जगह प्रोनाउन आता है और नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है. क्या ये डिफरेंस क्लियर है एडजेक्टिव और प्रोनाउन में? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट अ नाउन. तो यहाँ पे क्योंकि नाउन है तो प्रोनाउन नहीं आएगा, नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव आएगा. एडजेक्टिव आएगा इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा. फॉर आर एल्डरली सिटीजन्स, हमारे जो बूढ़े सिटीजन्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि टोटल आई चेकअप हो, तब भी हम उनका फ्यूचर अच्छा कर पाएंगे. सो विच पार्ट इज, विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट? डी सेंटेंस इज इनकरेक्ट, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. और ये रहा टाइमर सभी के पास. आई चेकअप बेटा, आंखों का चेकअप. चलिए टाइम इज अप, देखते हैं कितने लोगों का ठीक निकला. ये वाला क्वेश्चन, ऑल्दो इट हैज इट्स रूट्स इन बुद्धिज्म, हालांकि उसकी जो रूट्स हैं, उसका जो सोर्स है, उसका जो ओरिजिन है वो बुद्धिज्म में है. नॉन सेक्युलर माइंडफुलनेस मेडिटेशन, एक मेडिटेशन का नाम है जहाँ पे आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते. एज सबसे पहले तो जैसे आज प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे आज अभ्यास किया जाता है, जब भी याद करना, जब भी वर्ब होती है ना तो वो ऐसे ही लिखते हैं. 120 रूल्स ऑफ ग्रामर अगेन. तो एज प्रैक्टिस्ड टुडे, प्रैक्टिस नहीं आएगा, जो ये प्रैक्टिस होता है, सीई जो होता है वो नाउन होता है. नाउन के साथ कभी भी ईडी नहीं लगाते. वर्ब में की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होती है, तो ये प्रैक्टिस होता है. तो यहां पे क्या आएगा, एज प्रैक्टिस्ड टुडे, जैसे कि आज प्रैक्टिस किया जाता है. ये जो है एक्सेस्ड टू पीपल नहीं है, लोगों के पास है, लोगों के लिए एक्सेसिबल है. तो दूसरी गलती इसमें क्या थी, इज एक्सेसिबल टू पीपल, कि लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हर बैकग्राउंड्स के और हर बिलीव्स के. तो दो गलतियां थी यहां पे, प्रैक्टिस्ड आएगा और एक्सेस की जगह एक्सेस्ड आएगा. आगे, मैनी बिलीव, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ह्यूमैनिटी को कभी भी शांति नहीं मिलेगी,
सही है। गांधी जी को जो शांति की प्रॉब्लम है वो एक एथिकल इशू लगता था, हमारी एथिक्स की प्रॉब्लम लगती थी, पॉलिटिकल इशू नहीं लगता था। एक नॉन वायलेंट पर्सन जो होता है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, जब भी ऐसी ज़रूरत पड़े कि वो बताए कि कौन सी तरफ सही है। तो आंसर इज ए वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है। माइंडफुल मेडिटेशन बेटा ये पूरा का पूरा वर्ड है, नॉन सेक्युलर माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ये मेडिटेशन का नाम है, एक कंपाउंड नाउन कह सकते हो इसे। कोई दिक्कत किसी को? प्रैक्टिसिंग नहीं होता ना बेटा नाउन के साथ, कभी आई एन जी लगाते हुए सुना है तुमने? रामिंग, मेरा नाम है निमिषा तो निमिषाइंग, रमेशिंग, नहीं नाउन में आई एन जी नहीं लगाते, वर्ब में आई एन जी लगाते हैं। तो जैसा कि आज किया जाता है तो एज प्रैक्टिस्ड टूडे। मैम कंसिडर के साथ एज नहीं आता, कहाँ लिखा हुआ है कंसिडर के साथ एज? हाँ एज कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ पीस एन एथिकल, हाँ यहाँ पे एक गलती और है, बिल्कुल सही बोला, कंसिडर के साथ एज नहीं आता, राइट। तो इसका मतलब क्या है? सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सी भी गलत है, राइट, बिल्कुल सही बोला, सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, कंसिडर के साथ एज नहीं लगाते। तो कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ पीस एंड एथिकल रादर देन पॉलिटिकल इशू। तो ए और सी दोनों के दोनों गलत हैं। कोई दिक्कत? एक्टिव वॉइस है बेटा, पैसिव नहीं है ये। चलो अगला क्वेश्चन। चलो टाइम इज अप, ये देखते हैं कितने लोगों का ठीक निकला। दे वुड टीयर हिम टू पीसेस, वो उसको टुकड़े टुकड़े कर देंगे अगर वो कर सकते तो, वो उसको टुकड़े टुकड़े कर देते अगर वो कर सकते थे तो, सही है, कोई एरर नहीं है। दिस लेटर, ये जो खत है, ये जो पत्र है, ये बहुत ज़्यादा समझाता है गांधी साइकोलॉजी, उनकी साइकोलॉजी को समझाता है कि वो एक कैसे एक मॉरल लीडर थे वॉर के समय पे। कोई एरर नहीं है भाई। फिर से आई डू बिलीव, मैं इस बात का विश्वास रखता हूँ कि जब भी कोई एक चॉइस हो आपके पास डरपोक होने में और वायलेंस में, तो मैं क्या एडवाइस करूँगा कि भाई वायलेंस ले लेना, आई वुड एडवाइस वायलेंस। जब भी आपके पास एक चॉइस है कि आपको डरपोक बनना है या वायलेंट होना है, तो मैं बोलूँगा कि वायलेंट हो जाओ। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या है? वुड क्या है? एक मॉडल वर्ब है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वही वाली चीज़ जो भी पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ी थी। ये जो एडवाइस होता है ये एक नाउन होता है, और ये जो एडवाइस होता है ये एक वर्ब होता है। इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और इस एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा वायलेंस की, तो एडवाइस नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा? ए डी वी आई एस ई विल कम, एडवाइज आएगा। दैट मीन्स सी इज इनकरेक्ट। डी पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट है वो कमीशन करती है एनुअल सर्वेस को, जिससे कि वो पता लगा सके कि स्कीम जो है कितनी सक्सेसफुल रही। सही है, तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, और ये रहा टाइमर, लास्ट क्वेश्चन।
चलिए टाइम इज अप, टाइम ओवर हो गया, इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन और देखते हैं कितने लोगों का सही निकला। एक शशांक हैं जो बार बार कह रहे हैं मैम अभिनय सर आपकी तारीफ कर रहे थे। अगर बेटा ऐसा है तो उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोलिएगा। और मैथ्स एंड इंग्लिश दो ही सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आज के टाइम में गवर्नमेंट एग्जाम्स में, दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आपकी कमांड डेफिनेटली सी बातें होनी ही होनी चाहिए। और अभिनय सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं, डेफिनेट सी बातें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो उनसे पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं। चलो थोड़ा फोकस हो से हट गए हम, क्वेश्चन को देखते हैं। चलो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ, क्या गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। विद लीजन्स ऑफ पैशनेट सपोर्टर्स, लीजन्स मीन्स बहुत सारे, तो बहुत सारे पैशनेट सपोर्टर्स हैं जो बहुत सारी कंट्रीज में फैले हुए हैं। फुटबॉल जो है इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है कि फुटबॉल जो है सबसे ज़्यादा देखने लायक और सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है। स्पेक्टेटर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, देखने वालों का। चलो अगले पे आते हैं। डिस्पाइट दिस डिसमल रिकॉर्ड, इतने खराब रिकॉर्ड के बावजूद भी इंडिया जो खर्चा करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इन्हांसिंग वेलफेयर स्कीम्स में, डेवलपमेंट को बढ़ाने वाली स्कीम्स में जो खर्चा करता है इंडिया, हैज़ बीन वांटिंग, ये खर्चा कम है। हैज़ बीन वांटिंग मीन्स ये खर्चा और बढ़ाना चाहिए, इस खर्चे में अभी क्या है, कमी है। चलो मैच कर गया, सही है। आई बिलीव दैट, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि नॉन वायलेंस जो है इनफाइनाइटली, मतलब बहुत ज़्यादा सुपीरियर है वायलेंस से। हमेशा याद रखना जितने भी वर्ड्स होते हैं जिनके आगे IOR आता है, जितने भी शब्द होते हैं जिनके आगे IOR आता है, सुपीरियर, इन्फीरियर, इन्फीरियर का मीनिंग क्या होता है, ख़राब क्वालिटी का, जूनियर, सीनियर, एक और वर्ड होता है प्रायर, PRIOR, एक और होता है उसमें IOR नहीं आता बट प्रेफर, PREFER, प्रेफर। इन सभी शब्दों के आगे हम क्या लगाते हैं, इन सभी शब्दों के आगे हम TO2 लगाते हैं, कभी भी देन नहीं लगाते। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज़ इनफाइनाइटली सुपीरियर टू वायलेंस। तो नॉन वायलेंस हमेशा से ही वायलेंस से क्या रहा है, ऊपर रहा है, ये गलत हो गया। गवर्नर जो है रिक्वायर्ड हैं कि वो इनमें से कोई भी एक चीज़ को कर ले जो भी आर्टिकल में दे रखी है, कोई एरर नहीं है। सो व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 5, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के, सभी लोग मुझे अपने स्कोर्स बताएंगे। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ सभी को, सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। इसका आपको बताना है कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है और सभी लोग मुझे होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर देंगे। आई होप सभी को पता है, जितने भी बच्चे सही आंसर देते हैं उनमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके बुक्स भी भिजवाई जाती है। तो एक तो मैं पिछली क्लास के विनर्स का नाम बता देती हूँ जिन्होंने होमवर्क वाले क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। तो पिछली क्लास हुई थी हमारी वोकैबुलरी की और इसमें जो बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया था होमवर्क वाले क्वेश्चन का, गंगा सिंह एंड द सेकेंड वन इज हनी शर्मा। तो गंगा सिंह और हनी शर्मा मुझे एक मेल ज़रूर कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना कि वो कमेंट आप ही ने किया था, टीम आपको कॉल करके आपके बुक्स भिजवा देगी। सो दिस इज़ द होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। अब हम कल सुबह मिलेंगे 7 बजे एडिटोरियल की क्लास में, मुझे आपको ये सारे क्वेश्चंस करवाने हैं और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, बहुत जल्दी ही करवाऊंगी।